हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे ध्यान। ए भैया ये देखा, हरिओम स्टूडियो से धनंजय यादव पूरी पार्टी के साथ, ये यूपी टॉप म्यूजिक से आप लोगों के बीच में गीत प्रस्तुत बा हमारे संत विजय यादव जी के देखरेख में, अभिमन्यु भैया के स्टूडियो आजमगढ़ लक्षीरामपुर से। एक ठे गीत हमारे मास्टर साहब बजा दे, कैसे बजाना लाइट दिखा के जिया। ओहो बार मास्टर बा, कबो कबो हमारे बाल मुकुंद मास्टर है हीरा भैया, जब विदेशी टार्च दिखावे ना तो गजबे दिखा दे, कैसे बजावत हो भैया। का करतारू अबले हमके बतावना, रूपवा से पर्दा धनिया तन की हटवन, जाता कर जाऊ सरक जाता कमर से स्टोन वाली साड़ी। अच्छा भैया एक बिरहा प्रस्तुत बा आप सबके बीच में, जैसा कि आप जानते हैं हरिओम स्टूडियो से लगातार हमारी गीतें आप लोगों के बीच में पहुंचती है, आप दुलार प्यार देते हैं, फिर आज हमारे संत विजय यादव जी के देखरेख में ये यूपी टॉप म्यूजिक से बिरहा कहानी प्रस्तुत हुआ आप सबके बीच में आवा मास्टर भूमिका से। कहना बा भूमिका में कैसे भैया, बारे कभी लेखनी है कैसे, व्यक्ति निजी बाहुबली का भरोसा करे, अरे तो सफलता मिलेगी कदम चूम कर, आज सज्जन लुटे जाते विश्वास में, जिस्म दौलत के ग्राहक बसी दरी बदरी, रहते गोपाल जी प्रांत गुजरात में, अरे छोड़ गरीब दोनों बच्चे तनारी मरी, पढ़ती नौ में तो बिना विनोद साथ में, करते सेवा पिताजी की अखिया भरी। ए भैया तमाम कहानी आप सुनते हैं, एक कहानी आप सबके बीच में प्रस्तुत बा बारे भाई और बारे बहन। कहा जाता है धरती पर कुछ रिश्ता एक बार मिलेला हीरा भैया, माई मर जाई तो माई ना मिली, बहन मर जाई तो जल्दी बहन ना मिली, भाई मर जाई तो भाई ना मिली, यही लिए तो कहल गल कि भाई ऐसन ही तन भाई ऐसन दुश्मन। गजब कहानी है, एक लाइन कव्वाली का तर्ज बा, कौन तर्ज बा मास्टर। उहे गीत के लाइन बा हमरे हीरा भाई ढोलक बजावेलन, बड़ा बढ़िया ढोलकिया, हम उत्तर प्रदेश का मऊ जिला घर है, लेकिन भैया बारे मास्टर कबो कबो प्रोग्राम से छुट्टी होले 3 बजे जब घरे पहुंचेल, वही समय नेत्र धोवत में एक ठे गीत गावेलन, कौन गावेलन भैया, अरे छम छम
छम छम बाजे पैजनिया यही सजनिया के ना छम छम बाजे पैजनिया बुझे आग बुझे नाही बिरही अरे जवनिया की नात छम छम बाजे पैजनिया ये सजनिया के ना बाह कितना बढ़िया भाव लिखल गल हमरे अभिराम कवि जी बैठे हैं। ये गीत बार आप लोगों के बीच में अभिमन्यु भैया ये लाइन पर गौर करिया कौन लाइन है कितना बढ़िया भाव कवि जी ने लिखा है। अरे दोस्त दुश्मन का बनावेला भाव लगल दोस्त दुश्मन जगती में बनावे पैसा दोस्त दुश्मन जगती में बनावे पैसा पैसा के चलते आज बुझात बा पटरा बल्ली की दुकान में है जा ये लिए लिखल गल कैसे कितना बढ़िया भाव कवि ने लिखा है। जवन करे के ना उहे अभी करावे पैसा ता दोस्त दुश्मन है देखा अपनावे पैसा दोस्त दुश्मन बिरहा कैजा से शुरुआत हो गल बिरहवा कहाँ का बा भैया जरा बिरहा सुने वाला भैया गौर करियन कैसे मास्टर गरीबों को कोई ना गले लगाने वाले मिलेंगे फूल को कांटों में चुभाने वाले गुजरात से यह कहानी की शुरुआत होती है बाबू। गोपाल नाम के एक शख्स की कहानी है। एक आदमी गोपाल नाम है जिनका आखिरकार उनकी औरत मर चुकी है। दो बच्चे हैं। लड़की का नाम बीना बताया गया और लड़के का नाम जो है विनोद बताया गया। एक दिन वह गोपाल विनोद के पिताजी घर से निकलते हैं और चलते हैं तो सामने होता क्या है भाव लगा बस दुर्घटना में दिन गोपाल ध्वस्त हुआ मिलाना हम दर्द जीवन या बलस्त हुआ बारे भैया। एक दिन वह गोपाल रास्ते को पकड़कर जा रहा था और रास्ते में ही एक बस दुर्घटना हो जाती है गोपाल के साथ। जब गोपाल का एक्सीडेंट हो जाता है मेरे बाबू लेकर लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जब वह गोपाल जाता है मेरे बाबू उस समय देखे बिरहा आगे बढ़ गए लड़के को बुलाते हैं। लड़का विनोद जब सामने आता है तो गोपाल जी अपने बच्चे उस विनोद से कहते हैं क्या कहते हैं बुला के फर्ज डॉक्टर मुंह तब फेर लिया तब जब घुटने लगा चिकित्सा में देर किया गोपाल पैसा के अभाव में उस गोपाल का जो बस से एक्सीडेंट हुआ था मेरे बाबू
अब धीरे धीरे डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अब गोपाल का समय से दवा नहीं हो पाया। गोपाल मरने की स्थिति में जब आते हैं, अपने बेटे को बुलाते हैं, ऊंची लाइन एक बात कहते हैं, क्या विनोद से कहे कि बेटा अब रोना नहीं, डॉक्टर बनना बेटा फर्ज को खोना नहीं। या बारे भैया, गोपाल अपने बेटे को पास में बुलाए और कहे कि विनोद लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं रे बेटा, लेकिन एक काम करना, अगर मैं मर जाऊं तो एक काम करना बेटा, इतनी पढ़ाई करना कि तुम डॉक्टर बनना, और डॉक्टर जब बनोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, यही मेरी अंतिम इच्छा है। कहते कहते बिरहा सुनने वाला भैया वह गोपाल मर गए। आ जब गोपाल मर गए तो कौन बचा परिवार में, वह बहन बीना है और वह गोपाल है। बारे बीना चौका बर्तन करके बाबू वह बीना अपने भाई गोपाल को पढ़ाने लगी। आ जब पढ़ाने लगल मास्टर तो गीतिया तनी एक तर्ज लग, कौन तर्ज बाप, आई है गीतिया का लाइन बा, जब हमारे शिव बच्चन मामा हुआ, हमार मामा हुआ इनका बाबूजी यानी हमार नाना, जब जगिया का नाच नाचे हमार नाना, उस समय नाना कूद कूद को परती पर गावे, कैसे गावे मास्टर, अरे मघवा किरतिया ये बाबा, अरे सुतलिया गंदबा ये बाबा, लेकिन बारे बिरहा सुनने वाला भैया वह बीना और विनोद बचे है। बीना मेहनत कर रही है, भाई को डॉक्टर बनाना है। बिरहा सुनने वाला गौर करिया फैल का, अरे भैया के पैसा हो देके, कहली बहिनिया हो देके, रोवेली चरनिया कहली बहिनिया, ए भैया वह विनोद कहता है कि अरे बहन तू अकेले कैसे मुझे डॉक्टर बना देगी। कल भैया कुछ करे के पड़ी, लेकिन बाबूजी का अंतिम इच्छा है तो अके डॉक्टर बने के है, हम मेहनत करब। बारे बहिन भगवान अगर बहिन दे बाबू ऐसने बहिन दे, कहत बाका छोड़ा मत पढ़ाया बिरना, बारे मनु भैया आखिरकार बहिनिया इधर उधर कमा के चौका बर्तन करके, हीरा भाई पैसा लिया के भैया के दे, ये अपन शहर में रह के तैयारी करत बा, तैयारी का करे, इन्नी से जो पैसा जाए भैया तो 20 रुपया कच्ची खाना, आएगो पौआ मार के फिट हो जा। अब धीरे धीरे पौआ मारत मारत सारे आधा मारे लगल, बहिन का पैसा मेहनत का पैसा व भाई शराब और जुआ दू ठे तो गलीमत रहल, आ तौले तीसरका लाइन धल हलस, कौन लाइन धैल टेरी के लाइन बा मास्टर, अरे
अरे पढ़ाई, अरे मैं खानी में हो रही, बिना बाप पसीना देती कुल कमाई। अरे बाबू इधर कमा कमा के चौका बर्तन मजदूरी करके वो बीना बहन पैसा अपने भाई को भेजती थी। महीना जो पूरा होके तो लो उधर से संदेशा दे दे विनोद कि बहन पैसा खत्म हो गल, जल्दी पैसा भेज। अतोले बीना बहन पैसा लगा दे। धीरे धीरे समैया बीते लगल, अब बीते लगल तो कहानियां बढ़े लगल। चौक बा मास्टर कैसे, अरे करे पढ़ाई दोस्त तो मिल गए, अरे कदिन विनोद के घर जाकर, बीना के तब दिखाऊ पर एक दिन दो चार दिन का ये दशहरा वाली छुट्टी बार अभी भाई वह विनोद दो तीन को दोस्त वही मिजाल ठीक है लेके पहुंचल जौने परिवेश को रहल। बीना बहन से कहला बहन तनि कुछ बढ़िया चीज बनाओ, हमार दोस्त लोग आयल है। कहला का बनाइए भैया, नवरातन चलत बा। कहला तब पनीर का सब्जी बना दे। बढ़िया पनीर का सब्जी बनवलस। बना के वह तीनों दोस्तों और भाई जब बैठे हैं खाने के लिए, हीरा भैया लेके थाली में जब वह बीना चली है तो बीना खूबसूरत थी, जवान थी और तीनों सारे कुल पियले हम दारू पी के फिट हुआ दारू के नशा में। ए भैया आखिरकार तीनों एक टक उस बीना को देखने लगे। बीना इशारा करती है, भैया आप लोग मेरे छोटे भाई हैं, खाना आप लोग शुरू करिए। लेकिन खात हुआ सा आओ ही बीना की ओर ताकत हुआ सा, वाह अगर इसके शरीर पर बढ़िया वस्त्र रहता तो कितनी खूबसूरत लगती है। तीनों कल्पना सजाओ थो एक थे गीत बा, अरे काचे ही बाजी की बहंगिया बहंगी लचका, हमरे मामी गावेले छठ पर। लेकिन उ तीनों कुल खाना खा लेल, खाना खा के वापस चल गेल सब। और एक दिन बिना विनोद को बताए वो तीनों दोस्त चलते हैं, आ गए बीना के पास यानी विनोद के घर पे। विनोद तो वहां पढ़ाई कर रहा है, तीनों दोस्त घर पे आ गए। और जब घर पे आते हैं, अरे बहन यहीं से गुजर रहे थे, रात हो गई है, सोचे हैं कि रुक जाए। हाँ भैया रुक जाइए आप लोग। तीनों को खाना खिला करके और जब सुला देती है बहन, घड़ी जब 12 बजौले बाना भैया, तो वह बीना के पास तीनों पहुंचे। पकड़ लिए बीना को, अब पकड़ लिए तो रो रही है, कह रही है क्या बिना बाली धाई की चरनियों, अरे बिना बाली धाई की चरनियों।
बनिया बनिया लुटना हमार तीनों जो विनोद के दोस्त हैं। अरे पागल, हम तो हम लोगन का बड़ियार बहिन है, विनोद की बहन हुरे पापी तो तोहनो का बहिन लगब कहत बा का। हम तोहरी धर्म के बहिनिया, हम तोहरी धर्म के बहिनिया, पनिया लुटाना हमार आखिरकार वह बीना उस विनोद की बहन देखा भी रहा सुनने वाला भैया हमरे बाबू स्वर्गीय रक्षा यादव गांव में सात पुस्तक बेटा तारे 21 तारे बेटी। वह बेटी अपने भाई को पढ़ाने के लिए यहां तक कि मजदूरी कर रही है, चौका बर्तन कर रही है, और वह भाई शहर में उसके पैसों से ऐश कर रहा है। उसके तीनों दोस्त घर पे आज पकड़े हैं। तर्ज कौन बा मास्टर? उहे गीत कलाइम बा बड़ा पहले माता बहन लोग गावे कैसे गावे। केनिया से आवेला पापा के तितलावा, ई माता बहन लोगन का गाड़ी है संतु भैया। ये कब की अरिया बोली गजरा मुरैया, हमारे मामा के ओ ससुरारी, मामा के ससुरारी के मेहरारू के तरे गरिया में सावन मास से दुल्हा काहे न जाईला, सावन मास से दुल्हा काहे न जाईला, कटहर की अधिकाई हाय सीता राम से बनी, दूसरी लैनिया देखा बिरहा सुने वाला भैया। मामा हमार दुल्हा बनल हुआ वही समय मामा का सास दूसर की लाइन गौली बड़ा चबुआ के गांव में कैसे कटहर का कोवा रौरे पतरी परोसली, कटहर का कोवा इनके पतरी परोसली, मुसरा ढकलली रौरे हाय सीता राम से बनी। लेकिन बात वहां बाई तक गीत गारी रहल, आखिरकार वह बिना की इज्जत लूट लिए। भाव लगा कैसे मास्टर? राहु के तू कैले काला चांद का चेहरावा, अरे होई गईली धूमिलिया बिया जोरिया, होई गईली धूमिली अब या जोरिया हरे छल करिया, लूट लिए इज्जत को
आज जब लूट लिए लाचार है बीना, लेकिन एक बात मन में है। देखा विराज सुनने वाला भैया, एक बात तो अब बहन सोच रही है कि अगर यह बात मेरा भाई जानेगा तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। छुपा लेती है बर्दाश्त का लेहलस। देखा है भैया, मजदूरी करत भाई इज्जत लुटा गई तो उन्हें पर बर्दाश्त करके पैसा भेजना शुरू करती है, भेज रही है। बिरहाल आगे बढ़ल, भाव लगल का साथी के साथी आजा लुटा ले जतिया हो। रोती कलपती रह गई बाबू, इज्जत को तार तार कर दिए, लेकिन भेद अपने सीने के अंदर दफन कर डाली वह बीना। क्योंकि मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी भाई को डॉक्टर बनाना है, लेकिन पैसा भेज रही है, भैया तुम पढ़ो चिंता मत करना। लेकिन इधर भाई लाइन बदल गई, भाई विनोद की लगा आवारा लड़कों के साथ दारू पीने, जुआ खेलने, यहां तक कि हीरा भैया धीरे धीरे कोठा पर जाए लगल। कोठा पर भी जाने लगा विनोद, और जब कोठा पर जाने लगा मेरे बाबू तो पैसे की डिमांड भी बढ़ने लगी। अपनी बहन बीना से कहता है विनोद कि अरे बहन, इतने पैसे में मेरी पढ़ाई नहीं पूरा हो पाएगी, और पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कहो तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं। तब बीना सोच रही है कि मेरे बाप मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी कि भाई को डॉक्टर बनाना है, अगर भाई की पढ़ाई छूट जाएगी मेरे बाबू तो बाप का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए बीना भी अब गलत लाइन पे चल दिया। कलस कबले हम चौका बर्तन करके दो चार पैसा इकट्ठा करब। अब बीना एक कोठे वाली के संपर्क में आ गई, और जब कोठे वाली के संपर्क में आती है मेरे बाबू तो छुप छुप कर बीना धंधा करने लगी। भाई को पढ़ाना है, इसमें ज्यादा पैसा है, और धंधा जब करने लगी बाबू तो बिरहा आगे बढ़ल, भाव लगल का अभरल गरीबिया में अलग अलग फसरिया हो। अरे छोड़ दियाली बिना अब, अरे अपनो भावना सोचत बाबीना का अहम बर्बाद भैली, अरे धर्म नसाई गईले, अरे भैया बर्बाद नहीं हो यहाँ जाना। सोचत बा कि हमार तो इज्जत बर्बादे हो गई, लेकिन अपने भाई को बर्बाद नहीं होने दूंगी, भाई को डॉक्टर बनाऊंगी। आखिरकार एक रंडी के संपर्क में, एक कोठे वाली के संपर्क में आ गई बीना। बहन मुझे भी कोई काम दो। कौन सा काम दूं? लेकिन हाँ, अगर तुझे पैसा कमाना है तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। भाई का पैसे का डिमांड बढ़ता जा रहा है, और पैसा चाहिए। इधर बहन सोच रही कहां से पैसा लाऊं। हे बिरहा सुने वाला भैया, बहिनिया न हो बाबू, वही रंडी के साथे धीरे धीरे संपर्क में आके इहो धंधा करे लगल। वह कोठे की जो मालकिन थी, ग्राहक खोज खोज कर लाती और बिना खुश करती पैसा कमाती। एक दिन देखा अचानक, पहले बतौली ना, ओकर भाई विनोद गलत लाइन में जब पड़ गया, शराब तो पीता ही था बाबू, धीरे धीरे कोठा पर जाए लगल।
एक दिन उसी कोठे की मालकिन जो थी आ गया विनोद वहां और कोठे की मालकिन से कहता है मेरे लिए कोई चिड़िया आई है। कल सरे साहब पैसा ज्यादा लगेगा। कल कितना पैसा चाहिए? कल एक घंटे के लिए 5,000 रुपया। 5,000 रुपया निकाल के मामा गड्डी का फेकलस। कल लो 5,000 रुपया निकाल करके सामने रख दिया। इशारा करती है जाओ। जाता है और कमरे में जब प्रवेश किया ये भैया देखा है आवाज दिया अरे लड़की जरा मेरे लिए पैक तो बनाओ। गिलास में पीछे मुंह करके धीरे धीरे गिलास में वो दारू गिरा रही है और जब गिलसिया ले करके घूमल बाना भैया तो अब विनोद देखता है चेहरे की तरफ जब देखा है तो देख रहा है हाथ में शीशे के गिलास में दारू भर कर लेकर खड़ी है मेरी बहन। अचानक चेहरा उड़ गया मुंह से एक ही आवाज निकली कि दीदी। जब दीदी कहलस तो हाथ से गिलास गिरी और जब हाथ से गिलास गिरल तो बहनिया फफक के रोवे लगल हो भैया और रो के वो बिना अपने छोटे भाई विनोद से एक ठे बात कहलस। का कहलस सुना भैया कैसे मास्टर पापा था हाथ से गिलास नीचे गिरी है एक टक भाई अपनी बहन को अब बहन अपने भाई को देख रही है। अचानक वह बिना के मुंह से निकल के रही भैया धीरे से यह बिलाऊ चर 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 फाड़ करके खड़ी हो गई। अरे भाई इसीलिए ना मैं तुमको पैसा भेज रही थी। आज उस पैसे की कीमत मेरे जिस्म को लूट गए इस नापाक जिस्म को लूट ले रे भैया और चुकता कर दे बाप की जो इच्छा थे वो पूरा कर दे रे भैया। रो रही है बहन कह रही क्या तुम्हारा जीवन के कारण अपन जीवन माटी कैली हम आप पहिल बेटी कहावे लायक हम नहीं रह गईली हो। ए भैया तोहके पढ़ावे बदे मजदूरी कैली यहां तक कि तोहर दोस्त हमार असमत लूट लिहल इज्जत लूट लिहल ना पैसा का व्यवस्था हो पल सरे पगला तम कोठा पर अपन शरीर बेच के तोके पैसा देवे लगली आ तू ई फर्ज पूरा करत हवे इहे बाबूजी के इच्छा रहल। कहत बाका आधा जल में अरे डूबल चाहे नैया हमर भुइया हो अरे कवन किनारे लगी है याद नैया हमरे भैया हो। बहनिया रोवे लगल कल अरे भैया अब हम करी तो का करी रोवत बा बहनिया आल्हा कला ने कैसे अरे धना दवाला दिया जाती केहू के मिल जाले भैया धना दवाला दिया
डायरी जिसमें अपनी आत्मकथा अपनी जीवनी लिखी थी वह बीना बाइक से निकलस फेंकी सामने, ले रे भैया यही मेरी जीवन की कमाई है। आत्मकथा वाली आप डायरी निकल होती हली आखिरकार बैग खोलती है, बैग में से वह डायरी निकालती है, यही मेरी आत्मकथा है। डायरी फेंकती है सामने, जितना मैंने कमाया है सारा हिसाब है रे भैया, पढ़ लो इसको। डायरी को पढ़ रहा है वह विनोद, झरझर झरझर रोवत था भाई भैया। आखिरकार रोते हुए कह रहा है कि बहन मुझे माफ कर दे। कहती अरे पगला क्या माफी, मैं कैसे माफ कर दूं, क्या कह दूं तेरे लिए। बाप का सपना था तुझे डॉक्टर बनाना, वह सपना तो तूने पूरा नहीं किया। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मैंने अपने शरीर को बेच डाला, मेरा सपना तूने पूरा नहीं किया। यह शरीर अब क्या करेगा धरती पर रहकर, मैं जी कर क्या करूंगी बाबू। दौड़ती है और आलमारी से चाकू उठाती है। कैलस का मास्टर देखा जतन से इतना का कलिया बच्चा को देखा मार बोला आखिरकार चाकू जब मार लेती है, छल छला के जब खून निकला, गिरी उसी कोठरी में, दौड़ कर भाई अपनी बहन का सर गोद में उठाया और रो रहा है। वह भाई कहता है क्या खड़ी कराई ना मास्टर, अरे धोबे आईली बहिनी दामन की दगिया लगा के अगिया आखिरकार वह भाई विनोद वह चाकू उठाता है और जो तीन दोस्त पहली बार उसकी बहन की आबरू लूटे थे तीनों को बारी बारी से मार करके मौत के घाट उतार दिया। जा करके थाने के अंदर अपना जुर्म कबूल करता है, आज भी जेल के अंदर है। बिरहा सुनने वाला भैया आप लोगों से ही धनंजय यादव गुजारिश निवेदन करते हैं, रिश्ता परिवार फैमिली में अंतर होला प्रेम भैया। परिवार का लोग जौन होलन पूरा परिवार के बांध के चलन, अब फैमिली वाला अपनी मेहरारू अपनी लड़का में रह जालन। ये लिए आप लोगों से निवेदन बा, कम से कम कुछ भी करिए लेकिन रिश्ते को ध्यान में रखकर बिरहाए जो खत्म भल भाव लगल। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बात स्वर्ग चंद्रिका कवि बच्चन का विजय। अरे पढ़ाई मखाने में हो रही धनंजय वही रक्षा के तब अपने गले लगाई, पढ़ाई मखाने में बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे।